नमस्कार, मैं जिग्नेश, ऑल्ट न्यूज से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल 2015 में फ्रांस के एक राजकीय दौरे पर गए थे। उस दौरान उन्होंने पहले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे से उन्होंने ये मांग की है कि वह भारत को 36 रफाल लड़ाकू विमान मुहैया कराए। भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी का ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रपति जी से 36 रफाल जेट्स फ्लाई अवे कंडीशन में जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की। सितंबर 2016 में यह डील को एक औपचारिक रूप मिला, जिसमें रिलायंस डिफेंस, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी है, वो एक ऑफसेट पार्टनर की तरह चुनी गई। तब से लेकर आज तक विपक्ष की पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, केंद्र की सरकार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने कई बार रफेल डील पर ट्वीट किया है और केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। हाल ही में 21 सितंबर 2018 को फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने रफेल डील पर एक ऐसा बयान दिया जिससे केंद्र की सरकार फिर से सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई। फ्रांस की एक वेबसाइट मीडिया पार्ट को दिए गए अपने इंटरव्यू में फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि अप्रैल 2015 में हुई रफेल डील में भारतीय सरकार ने खुद रिलायंस डिफेंस का नाम ऑफसेट पार्टनर के तौर पर प्रस्तावित किया था। फ्रांसवा ओलांद के इस बयान के बाद यह मुद्दा काफ़ी चर्चित हुआ, क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान जो 126 रफेल लड़ाकू विमानों की डील साइन हुई थी, वह HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, और फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के बीच हुई थी। HAL 108 रफेल लड़ाकू विमान एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत बनाने वाली थी। सितंबर 2016 में जो रफेल डील साइन हुई, उसमें रिलायंस डिफेंस, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी है, उसका ऑफसेट पार्टनर के तौर पर चयन हुआ, और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। फ्रांसवा ओलांद के बयान के बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर फिर से निशाना साधा और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा ने भी अपने बचाव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फरवरी 13, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। हम कब सत्ता में आए? 26 मई 2014 को। ये क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड फ्रांस डसॉल्ट एविएशन हैव साइंड ए पैक्ट फॉर पार्टनरिंग इन द डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी सेक्टर इन एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ए स्पोक्स पर्सन फॉर रिलायंस सेड। तो हमारी सत्ता में आने के पहले, राहुल गांधी की सत्ता में ही ये MOU फाइनल हो गया था, और वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं। अब बाद में दोनों भाइयों का क्या हुआ, क्या नहीं, कौन किसके पास गया, ये हमारा विषय नहीं है। बट देयर इज कंटेम्पोरेनियस एविडेंस अवेलेबल दैट अ प्रॉपर MOU एग्जिस्टेड बिटवीन द सॉल्ट एंड द रिलायंस इंडस्ट्री एज अर्ली एज ऑन February 13, 2013, दैट मीन्स 1 year 4 months बिफोर दे केम टू पावर। ये मैं बताना चाहता हूं। केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 13 फरवरी 2012 की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और दसॉल्ट एविएशन के बीच यूपीए सरकार के वक्त से ही बातचीत चल रही थी और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। आइए जानते हैं कि रविशंकर प्रसाद के इस दावे में कितनी सच्चाई है। इस पूरे मामले को बेहतर समझने के लिए हमें सबसे पहले रिलायंस और अंबानी परिवार के पिछले 15 साल के इतिहास को जानने की जरूरत है। धीरूभाई अंबानी ने 1977 में रिलायंस की शुरुआत की थी और तब से लेके 2002 तक वही इस कंपनी के चेयरमैन थे। 2002 में उनकी मौत के बाद परिवार में कंपनी के कारोबार को लेकर विवाद शुरू हो गया और यह विवाद कई सालों तक चला। इस विवाद को निपटाने के लिए कोकिला बेन अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी की पत्नी हैं, उन्होंने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस के कारोबार का बंटवारा कर दिया और इस तरह यह विवाद समाप्त हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL
जो कि प्रारंभिक कंपनी थी, उसे मुकेश अंबानी को सौंप दिया गया और बंटवारे के बाद कारोबार का जो हिस्सा अनिल अंबानी के नाम पे आया उसको लेकर अनिल अंबानी ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप रखा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 2012 के जिस रिपोर्ट का हवाला रविशंकर प्रसाद जी दे रहे हैं उस रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और डसॉल्ट एविएशन के बीच डील की बातचीत हुई थी। इकोनॉमिक टाइम्स के ही एक रिपोर्ट के अनुसार यह डील 2014 में ही समाप्त हो गई थी। कुछ कारणों की वजह से रिलायंस उस वक्त रक्षा और हवाई क्षेत्र से अपना कदम वापस ले लिया था। 2012 में रिलायंस की एक नई कंपनी RATL जिसको 4 सितंबर 2008 को रिलायंस गैस मार्केटिंग के नाम से बनाया गया था और 2012 में मई 2012 में ही जिसका नाम बदलकर रिलायंस एरोस्पेस कर दिया गया और उस डील में ये रिलायंस एरोस्पेस ही शामिल थी जो एक नई कंपनी थी। ये जो रिलायंस एरोस्पेस है वो मुकेश अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का भाग है, जबकि 2015 में रिलायंस और डसॉल्ट एविएशन के बीच डील हुई है। उस कंपनी का नाम रिलायंस डिफेंस है और यह अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है। इस कंपनी को मार्च 2015 में रजिस्टर्ड करवाया गया है और जिसका विवरण कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया दावा बिल्कुल तथ्यहीन है। उन्होंने 2012 के टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह दर्शाने की कोशिश की कि UPA सरकार के समय से ही रिलायंस और डसॉल्ट के बीच डील हुई थी और इस डील में कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि वास्तविकता यह है कि 2012 की जो डील थी वो डसॉल्ट और मुकेश अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच हुई थी और 2014 के बाद यह डील समाप्त भी हो गई थी। 2015 की जो डील है वो डसॉल्ट और अनिल अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच हुई है और इन 2012 और 2015 की डीलों में कोई समानता नहीं है।